हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष। आज मेरे साथ में यामा का एरोक्स 155। ये एक ऐसा स्कूटर है जिसको लोग देख के बोलते हैं ये स्कूटर है या बाइक है, मतलब लाइक कंफ्यूजन बना हुआ है। आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि अगर आप लोगों की इच्छा है बाइक लेने की बट आपको पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार अभी स्कूटर ले ले, उससे काम चला ले, तो आपको सिर्फ कन्विंस करना है उनको इस स्कूटर के लिए, बिकॉज जो परफॉर्मेंस है वो मोस्टली बाइक से ज़्यादा अच्छी है। जो R15 है उसी का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है और नो डाउट ये स्कूटर वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड है इन इंडियन मार्केट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आज इस वीडियो में डेप्थ में जानेंगे, तो इस रिव्यू को कंप्लीट एंड तक ज़रूर से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड की क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो फ्रंट टायर इसके अंदर 14 इंच का है और बेसिकली स्कूटर में अपन देखते हैं कि 10 या 12 इंच का टायर मिलता है। यहाँ पर आपकी जो टायर प्रोफाइल है वो 110/80/14 रखी गई है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक जो कि 230mm का दिया गया है ABS इस स्कूटर में, बिकॉज इंडिया में नॉर्म्स है कि जो भी व्हीकल 150cc कैटेगरी को क्रॉस करता है तो उसमें आपको ABS देना कंपलसरी है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर फ्रंट में इसके अंदर ABS जो है वो आपको मिलता है। फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं वो काफ़ी पतले हैं, इनको ज़्यादा मोटा रखा जा सकता था बिकॉज इसका जो लाइक सस्पेंशन ट्रैवल वगैरह है वो थोड़ा सा जो है लाइक प्रैक्टिकलिटी इसको अवॉइड करता है, और ये चीज़ सारी डेप्थ में आप समझेंगे जब मैं इसको राइड करके आपको बता रहा हूँ। इंडिकेटर्स यहाँ पर है, हॉर्न की प्लेसमेंट वहाँ पर आप लोगों को अंदर की साइड दिख रही होगी, यहाँ पर ये हॉर्न है। नीचे एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि एक्टिव एयर वेंट्स है, यहाँ से अच्छी तरीके से हवा अंदर जाती है बिकॉज इंजन काफ़ी बड़ा है तो एयर सप्लाई होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 155cc का इंजन है इस स्कूटर के अंदर जो कि R15 के अंदर आप चलाते हैं, डेफिनेटली पावर कम है। 155 लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी से लेस है ये स्कूटर और ब्लू कलर के शेड के अंदर आता है जो कि यामा का शेड है, और यामा की जो लाइक स्टैंडर्ड कलर है ब्लू कलर जो है उसके अंदर सारी गाड़ियां यामा लॉन्च करता है। काफ़ी बढ़िया हेडलाइट है और दिखने में काफ़ी अग्रेसिव जो डिज़ाइन है वो इसकी लग रही है, और यहाँ पर डे टाइम रनिंग लाइट्स दिए गए हैं। एरोक्स की बैजिंग यहाँ पर दिया हुआ है, और बाकी ये जो स्कूटर है एक चीज़ बता दूँ, कहीं पर भी इसके अंदर मेटल पार्ट जो है वो बॉडी के अंदर यूज़ नहीं करा गया, पूरा स्कूटर जो है वो कम्प्लीटली फाइबर के ऊपर जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एरोक्स, यहाँ लिखा हुआ है, ये फाइबर है, अगेन फाइबर, विंड स्क्रीन जैसा दिखने वाला ये जो ग्लास वाला पैटर्न है ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है बट ये यूज़फुल नहीं है बिकॉज इससे कोई विंड ब्लास्ट जो है वो रुकता नहीं है। ब्लू कोर टेक्नोलॉजी अगेन इसके अंदर यूज़ की गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ये एक छोटा सा और पार्ट यहाँ पर लगाया है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्टर जो है वो नहीं दिए गए हैं फ्रंट में, ऐसा मुझे लगा था कि रिफ्लेक्टर्स भी देने चाहिए थे। ब्लू कलर के एलॉयज जो हैं वो दिए गए हैं और कोई ऑप्शन आई डोंट थिंक इसके अंदर आता है। अब आ जाते हैं सेंटर से, देखते हैं कि सेंटर में क्या कुछ चीज़ें हैं इस स्कूटर के अंदर। तो अब जो है लाइक आपको पैर रखने के लिए ये यहाँ पर ऐसे रखना पड़ेगा, इसके अंदर जब लाइक बैठते हैं तो बैठने में भी आपको बाइक की जैसे ही ऊपर से बैठना पड़ता है। अगर गर्ल्स इसको यूज़ कर रही है तो जो जींस वगैरह पहन के यूज़ करते हैं तो ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली आप जो कैजुअल जो इंडियन कल्चर है उस तरह की ड्रेस में आप इसको चला नहीं सकते हैं। मोस्टली ये स्कूटर यंगस्टर को ही टारगेट किया गया है, यंगस्टर के लिए रखा गया है ताकि उनको स्पोर्टी कैरेक्टर चाहिए और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो फील आ जाए कि लाइक आप बाइक चला रहे हो, जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया। अब यहाँ से जो है वो आप फ्यूल फिल अप करेंगे इस स्कूटर के अंदर, और कुछ इस तरीके से जो है ये ओपन होता है, और यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक है और काफ़ी इजी है फ्यूल फिल करना। बट यहाँ पर आप कोई सामान वगैरह जो है वो नहीं रख सकते, बट अगर सामान आपको रखना है तो उसके लिए काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो इसके अंदर मिलता है। लाइक इसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ का हेलमेट जो है वो आ जाता है, उसके बावजूद भी कई सारा सामान जो है वो आप साइड में छोटा मोटा रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा डीप स्टोरेज जो है वो इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को कोई लाइट नहीं मिलती है, तो लाइक इतना बड़ा स्टोरेज अगर रात में कोई छोटा मोटा सामान लेके आया उसमें से कोई एक सामान ही निकालना है उसको, तो लाइट डेफिनेटली चाहिए, तो यहाँ पर लाइट जो है वो मिसिंग है। मोटरसाइकिल कनेक्ट, यहाँ पर कुछ कनेक्टेड फीचर जो है वो भी इस स्कूटर में है। सीट काफ़ी स्पोर्टी है बट जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी, साइड वॉल के अंदर थोड़ी सी थिकनेस और ज़्यादा बेटर की जा सकती थी। एज अ राइडर अगर आप इसको राइड कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है, पिलियन के लिए और ज़्यादा बेटर जो है वो इंप्रूवमेंट्स इसके अंदर किए जा सकते थे पीछे वाली सीट की कुशनिंग में, एंड सीट की जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मुझे बार बार इस स्कूटर को जब भी चलाता हूँ तो यामा की R15 जो है उसकी याद आती रहती है। 155 यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड ये एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर साइड फुटरेस्ट जो कि अगेन काफ़ी हाइट पे है, और पीछे अगर आप इंजन देखेंगे तो इंजन को भी अगेन पूरा कंप्लीट फाइबर के ऊपर जो है वो कवर किया हुआ है, अंदर मेटल में है डेफिनेटली बट ये जो ऊपर फाइबर कवर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ट्विन आप लोगों को शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पीछे रिफ्लेक्टर आ गए हैं हैलोजन के अंदर, टर्न इंडिकेटर्स। 136,000 रुपीज़ में इंडिकेटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, ऑप्शन होना चाहिए एटलीस्ट LED का।
पीछे वाला जो टायर है अगेन काफ़ी बढ़िया साइज का है, 140 सेक्शन का है, ऑल दो आई थिंक सो, हाँ 140/70 14 टायर जो है वो पीछे कंपनी ने यूज़ करा है। ड्रम ब्रेक है जिसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। पीछे भी इस स्कूटर की जो लाइक इंजन की परफॉर्मेंस है उससे मैच करवाने के लिए पीछे भी डिस्क ब्रेक जो है वो देना चाहिए था। बाकी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है, इंजन ज़्यादा हीट वगैरह तो नहीं करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे अपन बात करेंगे जब ड्राइव करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी LED टेल लैम्प, नीचे आप लोगों को यहाँ पर नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर, इधर साथ में साइड में जो है एग्जॉस्ट पाइप दिया हुआ है। अगेन इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेसी है, ज़्यादा लाउड नहीं है, बट सुनने में काफ़ी अच्छा जो है वो लगता है। एक बार मैं आप लोगों को चालू करके इसको सुना भी देता हूँ। एक साइलेंट स्टार्ट फीचर जो है वो भी इसके अंदर आता है, लाइक फेदर टच जिसको बोलते हैं, तो आपको बस क्लिक करना है और आपका स्कूटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने सुना है इस स्कूटर का साउंड, काफ़ी अच्छा साउंड है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है बट कहीं टच नहीं हुआ है, और सेंटर स्टैंड भी आता है, ये एक अच्छी बात है। बट सेंटर स्टैंड जब आप चढ़ाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वेट ज़्यादा है, बट ऑल दो आपको बता दूँ 126 kg का ही कर्व वेट है, तो स्कूटर इतना ज़्यादा हेवी नहीं है जितनी इसकी स्पेसिफिकेशंस हेवी फील होती है ऑन पेपर, एंड जो चलाने में फील देता है उसके हिसाब से जो वेट है वो काफ़ी कम है। अब जो है हैंडल देख लेते हैं कि हैंडल पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। सबसे पहले जो है एक मेरे साथ में यहाँ पर सीन हो गया कि मैं बार बार पास स्विच जैसे इसको यूज़ कर रहा था, बट ये पास स्विच नहीं है, ये मेन्यू का स्विच है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कूटर की जो हाई बीम है वो शायद ख़राब है, बट जब मैंने ये हाई बीम और लो बीम वाला बटन प्रेस करा तो वो चल रही थी और पास स्विच जो है वो चल नहीं रहा था। मेटल में ये लीवर्स दिए गए हैं, ब्रेक लीवर, और ये मेन्यू स्विच है। मेन्यू स्विच जो है वो क्या काम में आता है वो एक बार देखते हैं। तो की को मैं ऑन करता हूँ, की, अब हाँ की के भी कई सारे फंक्शन हैं, तो पहले की भी देख ली जाए। तो कुछ इस तरह की चाबी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है एरोक्स में, और यहाँ पर ऑन ऑफ और इग्निशन ऑन पुश स्टार्ट ये सारे फंक्शन हैं। फ्यूल का अगर आपको ओपन करना है लीड तो आपको ओपन पे रखना पड़ेगा, या प्रेस करोगे तो ये फ्यूल लीड जो है ऐसे ओपन हो गई है। सीट अगर आपको ओपन करनी है तो यहाँ से आप प्रेस करेंगे, सीट ओपन हो जाएगी। राइट साइड में आप लोगों को जो है इग्निशन स्विच दिया हुआ है और ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन है, लाइक अगर कभी आप ट्रैफिक पे सिग्नल वगैरह पे रुकते हैं 5 सेकंड बाद में स्कूटर खुद से ऑफ हो जाता है, देन हल्का सा एक्सेलरेट करना पड़ता है और स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ चीज़ें मिलती है वो एक बार चेकआउट कर ली जाए। तो वाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में जो इसका लाइट का यूज़ करा है वो काफ़ी बढ़िया है, और रात में भी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिख जाती है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स भी देता है। इवन दो RPM मीटर जो है वो भी इस स्कूटर के अंदर है, ये देखो यहाँ पर RPM आ गए। आइडियल जो है वो अराउंड 2000 RPM के आसपास करता है। थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, ऑलमोस्ट 8000 RPM पर रेव करता है। तो अगेन रेव जो है वो ज़्यादा अपन देख नहीं पाते हैं दूसरे स्कूटर में, बट इस स्कूटर में देखने के लिए मिल रही है। टाइम यहाँ पर बता रहा है, स्पीडोमीटर दिया हुआ है, फ्यूल यहाँ पर बता रहा है, रियल टाइम माइलेज बताता है। देन मेन्यू से मैं चेक करता हूँ तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रही है, तो 35.5 KMPL का माइलेज अभी मिल रहा है नॉर्मल रनिंग कंडीशन पे। अगर आप ज़्यादा फास्ट चलाएंगे तो माइलेज जो है वो 30 के आसपास आ जाएगा, और अगर आप अच्छे से चलाते हो तो मे बी पॉसिबल आप 35 से 40 KMPL के आसपास माइलेज निकाल पाएँ। राइट साइड में भी आप लोगों को RPM मीटर मिलता है, लाइक एक स्कूटर कोई मतलब जो नॉर्मल स्कूटर होते हैं उसमें एक नहीं मिलता है, इसमें दो दो RPM मीटर है, कुछ इस टाइप से शेप जो है वो बन के जाता है आगे। बट किल स्विच नहीं है इस स्कूटर में, किल स्विच अगर होता तो काफ़ी अच्छी बात होती। दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रिप पे ट्रिप भी ये सब चीज़ें भी इसके अंदर बताता है। ऑयल लेवल, वी बेल्ट, VVI टेक्नोलॉजी जब एक्टिवेट होती है तो वो भी यहाँ पर शो करती है। तो ये है बेसिकली एरोक्स 155 ओवरऑल जो स्कूटर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, बट अगर आप डेली यूज़ के लिए बात करोगे तो फिर आपके लिए ये स्कूटर काम करनी है कि आप रोज़ इसको यूज़ कर रहे हो, अपने फैमिली में सब लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको यूज़ करना है, स्कूल कॉलेज लेके जाना है इस स्कूटर को, या आपको थोड़ा सा स्कूटर ही चाहिए और अपनी नॉर्मल जॉब वगैरह पे आप जाते हो, तो फिर डेफिनेटली अगर आप शौकीन हैं तो एक बार इसको टेस्ट राइड लो और फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी टेस्ट राइड लेके आप लोगों को बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें मैंने अभी तक फील करी इस स्कूटर को चलाते हुए पिछले 10-15 दिनों में। चलिए चलाते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, ही इज नॉट रिलायबल गाय, और निकल ही नहीं रहे तो
तो चलिए चला के देखते हैं यामा एरोक्स 155 को। ये स्कूटर जो है पिछले 10-15 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली लाइफ में, जहाँ पर आप लोगों को स्कूटर की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ मैं अपना एक्टिवा यूज़ करता था उसकी जगह मैं एरोक्स 155 को यूज़ कर रहा था। क्या कुछ चेंजेस लगे उन सभी के बारे में बात करेंगे, बट ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है तो सबसे पहले इसकी टॉप स्पीड क्या है वही चेक कर ली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके ऑल सेट, हियर वी गो। क्रॉस्ड 90, 100, नाइस, ठीक है अब नहीं जा रहा आगे। ओके तो शायद 104 तक गया होगा, जहाँ पे भी गया है शायद 104 के आसपास गया है स्कूटर। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने सामने देखा था, तो काफ़ी बढ़िया आप लोगों को एक्सलरेशन इस स्कूटर के साथ में मिलता है। तो 104-105 के आसपास जो इसकी टॉप स्पीड निकल के आती है। अगर आप ऐसे नॉर्मल रोड्स पर चलाओगे जहाँ पर आगे से कोई भी नहीं, कंटिन्यूसली आप चलाते रहोगे तो 110 तक भी जो है ये स्कूटर चले जाता है, उससे भी ऊपर कुछ लोगों ने लेके गए हैं। अभी जो है पहले अपन ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं अलग अलग एंगल से। लाइक पहले अभी मैं जो है आगे का लगाया, अभी मैंने पहले पीछे का लगाया था, एक बार फिर टेस्ट करेंगे। तो ABs जो है वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव फील होते हैं, बट नो डाउट जो ब्रेक्स हैं वो काफ़ी अच्छी बाइट्स देते हैं फ्रंट वाले। उसी से ही पूरा स्कूटर जो है वो 85% कंट्रोल होता है। रियर में ड्रम ब्रेक दिया है और स्कूटर का जो मोस्टली वेट है वो आगे की तरफ है, तो इसलिए पीछे वाले ब्रेक से इतना ज़्यादा जो है आपको शार्पनेस वगैरह फील नहीं होती है। ओके तो जब दोनों हाथ से मैंने ब्रेक लगाया तो काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो ब्रेक आया, और माल फंक्शन लाइट पता नहीं क्यों ऑन हो गई इसकी। ओके 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 तो वैसे जो है वो काफ़ी अच्छा फील होता है, एग्रेसिव है ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह। आप मैनेज करना सीख जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे थोड़े टाइम में इसको आप चलाना स्टार्ट करेंगे तो, बिकॉज बीच में जो है वो एक काइंड ऑफ सेंटर कंसोल से यहाँ पर जा रहा है जैसे कार में होता है, तो आप लेके इधर या उधर अपने लेग्स जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इधर या उधर लेके नहीं जा सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा अजीब सी फील होती है स्टार्टिंग में। जब आप टर्न वगैरह भी कर रहे हो तो आपकी स्कूटर की आदत होती है पैर इधर उधर रखने की, बट यहाँ आपको बिल्कुल एक जगह फुट रेस्ट जहाँ पर इसका दिया हुआ है वहीं पर रखना पड़ता है। और अभी जब नॉर्मली स्पीड लाइक 40-50 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं तो 30-40 के आसपास का माइलेज जो है वो रियल टाइम यहाँ पर शो करता है, और कंटिन्यूशन में चलता रहता है तो 40 प्लस माइलेज जो है वो ये शो करने लगता है। लगभग 58 km तक का माइलेज जो है वो शो करता है, बट हैज़ ऑफ नाउ मैंने जो टैंक फुल करवाए हैं मुझे अराउंड 30-32 km के आसपास का माइलेज मिला, जहाँ पर मैंने उसको एकदम मस्त पूरी परफॉर्मेंस उसकी यूज़ करी है। तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखें 30-35 km के आसपास का माइलेज स्कूटर आपको देगा, और अगर इतना भी माइलेज दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज जो नॉर्मल 110 cc एक्टिवा है मेरी वही जो माइलेज है आपको 35-40 के आसपास देती, तो ये तो एक 150 cc का स्कूटर है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, और अराउंड आप लोगों को मिलती है 13.9 PS के आसपास की पावर, 13.9 Nm का टॉर्क और 15 PS की पावर, तो काफ़ी ज़्यादा पावर है एक नॉर्मल स्कूटर के मुकाबले से स्कूटर में। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, बट जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टीफर साइड है, तो आपको फील होते हैं हर एक पोटोल्स बम्स वगैरह पे से आप निकलते हो तो सस्पेंशन में वो कंफर्ट जो है वो आपको नहीं मिलता, बट स्कूटर स्टेबल होता है। देखो अभी एक हाथ मेरा नहीं भी था बट फिर भी स्कूटर जो है वो एक लेन में चलता था, ये चीज़ काफ़ी अच्छी फील होती है। फ्रंट एंड जो है वो थोड़ा सा हेवी है, बट आप उससे यूज हो जाएंगे और वो वेट आपको थोड़े टाइम बाद में अच्छा लगने लगेगा। रीज़न ये है कि आप वो उस वेट का यूज़ करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को लाइक स्टेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करने में। दूसरा इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो सभी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल हो जाती है, कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं आती है, रियल टाइम माइलेज बता देता है, ट्रिप है ट्रिप भी है, और बाकी भी दूसरी चीज़ें जो आपको देखती हैं स्पीडोमीटर RPM मीटर वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। अब एक बार वापस से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है आराम से चला के देखते हैं, तो कहीं कोई वाइब्रेशन जो है वो आपको फील नहीं होते। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस स्कूटर का ही लगा, लेकिन आप कितना भी इसको हाई स्पीड पर चला लो 90-100 के आसपास भी अगर आप कंटिन्यूस में इसको चलाओगे ना, वहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन थोड़े से भी कहीं पर भी फील नहीं होते, ना फुटपैथ पे, ना हैंडल बार पे और ना सीट पे। तो लाइक जो रिफाइनमेंट लेवल है वो इस स्कूटर की काफ़ी अच्छी है, बस वही बात है कि आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। 1,32,000 रुपीज़ के आसपास की एक्चुअल प्राइस है, ऑन रोड प्राइस क्या है वो आपको नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके ही पता करना पड़ेगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेगी। बाकी स्कूटर जो है वो काफ़ी मज़ेदार है, चलाने में मज़ा आता है, सारे जो स्विचेस वगैरह हैं वो सारे हैंडी हैं, और सभी चीज़ें अर्गोनॉमिक वाइज भी काफ़ी बढ़िया रखी गई है, बस पास स्विच नहीं है, किल स्विच वगैरह नहीं है, तो उसकी कमी जो है वो आपको फील होती है। अब यहाँ से उतार के देखते हैं, हम मज़ा आता है मेरे को ऐसे मतलब खड़े वड़े होकर इसको चलाने में,
और इधर उधर इसको लेके जाने में, क्योंकि ये कहीं ये टच नहीं हुआ है अभी तक, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, बट फिर भी कहीं कोई परेशानी जो है मुझे ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं आई है। नंबर की बात करें तो 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिलता है। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ऑफ ऑल न्यू यामा एरोक्स 155। अगर आप लोगों को अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेट्स गो वन नाइस डे फ्रेंड्स। ड्राइव सेफ, राइड सेफ। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पर आप लोगों को मिलेगी।